राजस्थान के जयपुर करदनी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेप करने के बाद हत्या करने के मामले में पकड़े गए सीरियल किलर मिंटू उर्फ विक्रम के बारे में जानकारी मिली है कि वो 50 से ज्यादा लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसा चुका है। उसने दावा किया था कि ग्वालियर में एक युवती की हत्या कर उसकी लाश पटरियों पर फेंक दी थी। उसके इस खुलासे के बाद ग्वालियर पुलिस परेशान हो गई। अप्रैल 2021 में गोरा का मंदिर में लापता एक पूजा शर्मा नाम की लड़की की फोटो भी उसने पहचानी थी और हत्या की बात कही थी। पुलिस इस हत्या के मामले में पूछताछ के लिए उसे लाने का प्रयास ही कर रही थी, तभी एक और खुलासा हुआ कि जिस युवती की वो हत्या करने की बात कह रहा है वो गुजरात के अहमदाबाद में जिंदा मिल गई है। ग्वालियर पुलिस उस तक पहुंच चुकी है। युवती लापता होने के 15 दिन बाद अपने घर अहमदाबाद पहुंच गई थी। परिजनों ने बताया कि इस बात की जानकारी उन्होंने पुलिस को नहीं दी थी, जिससे ग्वालियर पुलिस ने उसे गुमशुदा मानकर तलाश कर रही थी। राजस्थान के जयपुर स्थित करदनी में 10 अप्रैल को साइको किलर मिंटू उर्फ विक्रम पकड़ा गया था। एक युवती से रेप के बाद उसकी हत्या के मामले में उसे पकड़ा गया था। इसके बाद उसने कई खुलासे किए, जिसमें उसने संबंध बनाने के बाद लड़कियों को मारने की बात कबूली। इस दौरान उसने खुलासा किया कि ग्वालियर के एक युवती की उसने हत्या कर लाश को रेल की पटरियों पर फेंका था। इस लड़की की दोस्त संजय मीणा ने गला दबाकर हत्या की थी। लड़की उसकी ही गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद ग्वालियर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। तत्काल उस दौरान की मिसिंग फाइल को खंगाला गया, जिसमें 2021 अप्रैल में गुजरात अहमदाबाद की 21 वर्षीय पूजा शर्मा गोला का मंदिर में अपनी दीदी और जीजा के घर रहने को आई थी। एक दिन अचानक वो लापता हो गई। वहीं ग्वालियर पुलिस जब करदनी पहुंची और सीरियल किलर से पूछताछ की तो उसने पूजा का फोटो देखते ही पहचान लिया और उसकी हत्या करने की बात भी कही। वहीं पुलिस विस्तार से पूछताछ करने के लिए प्रयास कर ही रही थी कि तभी पूजा जिंदा मिल गई। पूजा शर्मा ने पुलिस अफसरों पर से बताया कि किसी बात से उसकी बड़ी बहन से उसकी अनबन हो गई थी, जिस कारण वो नाराज होकर बिना बताए ही अप्रैल 2021 में ग्वालियर के गोले के मंदिर से चली गई थी, जिसके बाद वो कोटा राजस्थान अपनी सहेली के पास पहुंची, जहां कुछ देर रहने के बाद अहमदाबाद चली गई थी। वहीं बेटी के लौटने के बाद परिजनों ने पुलिस को नहीं बताई, जिसे पुलिस उसे गुमशुदा मानकर तलाश कर रही थी। वही पूजा ने किसी भी मिंटू उर्फ विक्रम या फिर उसके दोस्त मीणा को जान पहचान होने से इनकार कर दिया है। जयपुर में एक आरोपी पकड़ा गया था और उससे जब पूछताछ की हुई थी तो उसके द्वारा एक लड़की का नाम बताया था कि मेरे द्वारा मेरे अपने मित्र के साथ मिलकर उसकी भी हत्या कर दी है और सबको लगभग गोलक मंदिर थाने के से 10 से 15 किलोमीटर दूर किसी पटरी पर फेंक दिया। इस तरह की जो स्टेटमेंट पर ये बात आई थी, तब जाके गोले के मंदिर थाने के सब फोर्स भेजा गया। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों से जयपुर में संपर्क किया जाकर घटना की गंभीरता को देखते हुए टीम रवाना की गई। तो जो स्टेटमेंट्स के आधार पर यहाँ पर गोले के मंदिर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पटरी के आसपास जितने भी थाने थे ट्रैक पे लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तक सब चेक कराया गया, लेकिन कहीं भी किसी तरह का कोई मर्ग होना नहीं पाया गया। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।